स्टूडेंट्स, आज हम एवोकाडो फ्रूट बनाएंगे। एवोकाडो को एलिगेटर पियर भी बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सिंपल है, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं इसको ड्राइंग करूँगा, आप सब उसको ध्यान से देखना, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैंने ये पार्ट कंप्लीट कर दिया, उसके बाद ये नीचे वाला पार्ट। ये ड्राइंग कंप्लीट हो गया। एवोकाडो में थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा ये जो सरफेस होता है थोड़ा एलिगेटर की तरह होता है, तो मैं यहाँ पे हल्का हल्का छोटा छोटा ऐसे डॉट दे देता हूँ इस तरह से। ऐसे डॉट दे दिया मैंने। अब ये पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ये एवोकाडो का अंदर का पार्ट है, ये भी बहुत इजी है। अभी ये पार्ट अंदर का बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये कंप्लीट हो गया, दोनों ड्राइंग कंप्लीट हो गया। इसको मैं आउटलाइन कर देता हूँ स्केच पेन से, उसके बाद हम कलरिंग करेंगे। मैंने इसको स्केच पेन से आउटलाइन कर दिया, स्केच पेन से पूरा आउटलाइन कंप्लीट कर दिया। अब हम इसको कलर कर देंगे। कलर मैंने चार कलर लिए हैं, लाइट ग्रीन, येलो, डार्क ग्रीन और ब्राउन, ठीक है। बहुत इजी है, ये लाइट ग्रीन, ये डार्क ग्रीन को लेके हम इसके ऊपर पूरा लगा देंगे। ये डार्क ग्रीन मैंने लगा दिया, यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन लगा देंगे, ब्राउन। यहाँ पे मैं ये डार्क येलो लगा रहा हूँ, ये डार्क येलो। और उसके ऊपर ये थोड़ा सा ब्राउन, ये अंदर का सीड्स है उसको बना। डार्क ग्रीन से थोड़ा सा यहाँ पे आउटलाइन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे। डार्क ग्रीन और थोड़ा सा हल्का सा मैं लाइट ग्रीन का टच उसमें दे रहा हूँ, हल्का सा उसमें। हल्का सा।
ठीक है, कलर कंप्लीट हो गया, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इसको आराम से हम बना सकते हैं। आप सब भी इसको घर में अच्छे से ट्राई करना। ओके, बाय।